अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है इस लेक्चर के अंदर, वह इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में से सबसे लास्ट पार्ट है जिसको आज हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उनको एक एक करके हमने डिस्क्राइब किया, डिस्कस किया मैंने आपके साथ, आपको मैंने समझाया, तो एक एक करके हमने उनको कवर कर लिया। आज जिसको हम करने जा रही है सबसे लास्ट है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरजेक्शन की डेफिनेशन देखते हैं ये क्या होता है। इट इज़ अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस मोर सम सडन फीलिंग्स ऑफ द माइंड। ठीक है, अब इंटरजेक्शन वो अल्फाज होती हैं जब आपके माइंड के अंदर कोई सडन फीलिंग्स आती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप इन अल्फाज का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, उन अपनी माइंड की जो फीलिंग्स होती हैं जो कि सडन होती है, अचानक से आती हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप कुछ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वो अल्फाज हमारे पास क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। एक और डेफिनेशन है हमारे पास, ये तो फर्स्ट होगी, सेकंड भी ऐसी ही है। इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स और इमोशंस, यानी कि ये वो अल्फाज हैं जो कि हमारी स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स और इमोशंस को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब ये होता है सडन, जो अनकॉन्शियसली हमारे जो है जाहिर हो जाती हैं, ठीक है, फीलिंग्स उनको कहते हैं स्पॉन्टेनियस फीलिंग्स। यानी कि आप खुशी में या गमी में या फिर आप कुछ भी, आपकी खुशी या गमी के दौरान या उस दौरान आपके मुंह से कुछ अल्फाज निकलते हैं, तो वो अल्फाज क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन। अब कुछ एग्जांपल है, उनसे आपको ये दोनों डेफिनेशन जो है वो क्लियर हो जाएंगी। डेफिनेशन देखें सबसे पहले एग्जांपल में, सबसे पहले हुरे आई हैव पास द एग्ज़ाम। हुरे जो है ये हमारे पास खुशी के लिए, जब आपको कोई खुशी हो, आपको कोई हैप्पी हो, कोई अच्छी न्यूज़ दे, तब आपके मुँह से ये जो है अल्फाज निकलते हैं, इनका यूज़ करते हैं। तो क्या है कि हुरे आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम, इस वर्ड के बाद क्या आता है हमारे पास, एक साइन आता है लाइन और नीचे क्या होता है, डॉट आता है। ठीक है, ये इस चीज़ को जाहिर करते हैं, इंटरजेक्शन को। उसके बाद दूसरा वर्ड है अलॉस, ओवरसाइट हैज़ लॉस्ट, ये गमी का है, ठीक है, ये मतलब दुख का है, परेशानी का है। वाओ, अब ये भी क्या है हमारे पास, खुशी का है, दैट्स रियली गुड न्यूज़, बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, वाओ का हमने जो है ये हैप्पी में यूज़ किया। उसके बाद है हर्श, आई हेयर समवन कमिंग, जब कोई आ रहा होता है तो अचानक से कोई आ जाता है या फिर कोई आप सुनते हैं कि कोई आ रहा है, तब आपके मुंह से ये अल्फाज निकलते हैं। उसके बाद है ऑफ, ये क्या है, जब आप कोई आपको बहुत क्यूट लग रहा हो या कोई बहुत खूबसूरत हो, तब आप उसको मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, उसको बताने के लिए आप क्या करते हैं, ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं, दैट पपी इज़ सो क्यूट। हुरे, हुरे भी हमारे पास क्या है, खुशी हैप्पी का है। हुरे आई वॉन द मैच, ठीक है, हम क्या हुए हैं, हम मैच जीत चुके हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं इंटरजेक्शन की, और ये हमने डेफिनेशन देखी। तो इस तरह हमारा जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है वो कवर हुआ। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है आपका, तो ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।